Hello friends, myself Dr. Satyendra Tripathi. At present I am working as an assistant professor and I have qualified UGC and ICAR NET. Friends, aaj ka jo mera lecture ka topic hai, how can we qualify NET examination? Doston, kaise hum log NET ya JRF examination kaise qualify kar sakte hain? To बहुत बार बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि नेट जो है नेशनल लेवल का एग्जाम है, ये कैसे क्वालिफाई होगा या जेआरएफ हम कैसे कर पाएंगे, बहुत टफ है. लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है. आप यदि लग के केवल 6 महीने कर दो, 6 महीने अच्छे से तैयारी कर दो, यदि मास्टर लेवल पे आपने अच्छे ढंग से पढ़ाई की है, यदि नहीं भी की है तो अब से भी आप यदि अच्छे ढंग से पढ़ाई कर लो तो होता क्या है, मास्टर डिग्री का जो आपका सिलेबस है, आप देखोगे जो नेट का सिलेबस है लगभग लगभग पूरा वही है. तो आप अच्छे ढंग से यदि आप पढ़ाई कर लो तो ऐसा कुछ भी नहीं कि आप जेआरएफ क्वालिफाई नहीं कर सकते. और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दूं कि आज का जो मेरा लेक्चर है ये नेट के लिए है, ऐसा स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है कि यूजीसी नेट के लिए है या सीएसआईआर नेट के लिए है या आईसीएआर नेट के लिए. देखा जाए तो ये सारे ही नेट के लिए है. और जो इसमें मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊँगा, यदि आप उन पॉइंट्स का ध्यान रखो और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के चलो तो निश्चित तौर पे 100% आप जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो. तो दोस्तों आपसे कुछ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जिसका आप विशेष ध्यान दें. पहला तो ये है कि आप मेरे लेक्चर को पूरे ध्यान से और लास्ट तक देखें, क्योंकि हो सकता है कि लास्ट के मैं जो दो तीन पॉइंट जो बताऊँ आप यदि उनको न सुनो तो हो सकता है आप मिस कर जाओ तो आपको प्रॉब्लम आएगी. तो इसलिए कोशिश करें आप पूरे लेक्चर को सुने और सारे पॉइंट्स को, एक एक पॉइंट्स को आप ध्यान से सुने. और दूसरी बात यह है कि दोस्तों यदि अभी तक आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले टाइम में जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूँ उसको आप इजिली देख सकें या आपको नोटिफिकेशन आ सके, आप इजिली उसको देख सकें. तो दोस्तों आज का मैं लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ. सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि पहला जो स्टेप है, सबसे पहले तो आपके पास सिलेबस का होना जरूरी है. यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो आप यूजीसी के साइट पे जाओ, वहाँ से सिलेबस डाउनलोड कर लो. यदि आईसीआर की कर रहे हो तो आईसीआर की साइट से, और सीएसआईआर की तैयारी कर रहे हो तो सीएसआईआर की साइट से आप जा करके उसका नेट का सिलेबस आप सबसे पहले डाउनलोड कर लो. तो पहला स्टेप तो ये हो गया कि आपके पास सिलेबस होना चाहिए. यदि सिलेबस आपके पास है तब आप जान पाओगे कि हमको पढ़ना क्या है, देन आप प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के और उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर सकते हो. अब बात आती है कि आपके पास सिलेबस हो गया, अब सिलेबस को देखो और उसके अकॉर्डिंग आप बुक देखो कि मास्टर लेवल पे आपने कौन कौन सी बुक पढ़ी हुई है या कौन कौन सी बुक आपके पास अवेलेबल है. पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग आप बुक्स को परचेस करो, या बोल सकते हो कि स्टडी मटेरियल्स जो भी जहाँ से भी आप कलेक्ट कर सकते हो, आप नेट से रिलेटेड सारे स्टडी मटेरियल्स आप कलेक्ट करो. एंड कलेक्ट सपोज करो आप सारे स्टडी मटेरियल्स जो है धीरे धीरे कलेक्ट कर लिए, तो बहुत बार तो दोस्तों ऐसा होता है कुछ, जैसे मान लो हम नेट का सिलेबस देखे और कुछ टॉपिक हमको नहीं मिल रहा है तो आप अपने फ्रेंड से भी डिस्कस करो. फ्रेंड हो सकता है कि किसी फ्रेंड के पास वो बुक अवेलेबल हो, बट हम लोग क्या करते हैं यदि उसके पास है तो हम सोचते हैं कि हमको फोटोकॉपी कराना पड़ेगा, फोटोकॉपी से बहुतों का मन नहीं करता पढ़ने का. दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि आपको यदि नेट क्वालिफाई करना है या जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो आप ये मत देखो कि आप फोटोकॉपी से पढ़ रहे हो या फिर आपके पास एक्चुअल बुक है. आप जहाँ से भी मैटर आपको मिल रहा है उन सारे मैटर्स को आप कलेक्ट करो पहले. सबसे दूसरा काम क्या रहा कि आप जो है स्टडी मटेरियल कलेक्ट करो. आपके पास जब सारे स्टडी मटेरियल्स हो जाएंगे तब आप, अब बात आती है कि आप पढ़ाई स्टार्ट करो. तो शुरू क्या हो सकता है कि आपको 15 दिन या 1 महीने या 2 महीने भी लग सकते हैं स्टडी मटेरियल कलेक्ट करने में, बट एक बार स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर लिया आपने तो विद इन 6 मंथ मैं 100% के साथ आपको बोल सकता हूँ कि आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो. लेकिन ये है कि उसके लिए जैसे बताने जा रहा हूँ मैं, आप पूरे फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ और उसको प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ आप जो है उसको स्टडी करें, उस हिसाब से पढ़ाई करें. तो नेक्स्ट पॉइंट जो है, यदि आप सपोज करो सारे मेटेरियल्स आपने कलेक्ट कर लिए, अब एक बुक उठाओ और सिलेबस के अकॉर्डिंग देखो कि मान लो पहले यूनिट की यदि बात करें हम, पहले यूनिट में आप देख लो क्या क्या मैटर्स है, तो आप उसके अकॉर्डिंग बुक को लो और उस बुक को पूरा थॉरली पढ़ जाओ.
पूरे ही बुक को पढ़ जाओ। बहुत बार लोग क्या करते हैं कि एक बुक उठाएं और देखें कि नेट के सिलेबस में क्या दिया हुआ है। सपोज करो कोई, चूंकि मैं एनवायरमेंटल साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं यदि बात करूँ एनवायरमेंट की, तो सपोज करो उसमें लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द एनवायरमेंटल साइंस एंड स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। तो अब केवल आपने क्या किया कि एनवायरमेंटल साइंस की डेफिनेशन पढ़ ली और क्या उसके स्कोप है आपने उसके बारे में पढ़ लिया। बट दोस्तों बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एनवायरमेंटल साइंस में आती हैं। यदि केवल एनवायरमेंट की बात करो आप, तो एनवायरमेंट में आपका जो हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फियर और लिथोस्फीयर, ये सब कुछ आ जाता है। तो अब आप इसको पढ़ो तो इसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ऐसे करके आप डीप स्टडी जब करोगे तो आप देखोगे कि आप धीरे धीरे जो है अपने मंजिल के करीब पहुंचते जाओगे। तो कोशिश ये रहे कि जो भी बुक उठाओ आप उसको पूरे अच्छे ढंग से पढ़ डालो। अब बुक पढ़ते समय भी किस पॉइंट पे विशेष ध्यान दें या किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए अपने को। सपोज़ करो आप पहला पेज आपने स्टार्ट किया, आप उसको पढ़ाई करते समय जो भी आपको इम्पॉर्टेंट लाइन लगती है उस लाइन को आप हाईलाइट कर लो, जैसे भी, या तो उसको पेन से आप अंडरलाइन कर लो या फिर मार्कर से हाईलाइट कर लो, जैसे भी आप हाईलाइट कर सकते हो कर लो। और यदि बहुत इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है तो उसको वेरी वेरी या वेरी इंपॉर्टेंट जो भी आप लिख सकते हो उसको लिख लो। ऐसे करके आप पूरे बुक को जो है कलर कर डालो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि सोचते हैं कि हम यदि बुक पे जो है अंडरलाइन करेंगे तो हमारी बुक जो है गंदी हो जाएगी। तो दोस्तों आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें, आपको एग्जाम क्रैक करना है ना कि सजा करके बुक को रखना है। तो दोस्तों इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि आप उसको अंडरलाइन करते जाएं, सारे जो भी पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं अंडरलाइन करते जाओ, जिससे आपको रिवीजन जब आप करोगे तो उस टाइम पे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो ये तो बात हो गई एक यूनिट के, एक बुक को हमने स्टडी किया, या फिर उससे रिलेटेड दूसरी बुक जब उठाओ, कोई जरूरी नहीं कि एक यूनिट का जो, एक यूनिट के लिए आपने बुक जो उठाया हो सकता है कि उसमें सारा कुछ कवर हो गया हो, बट ये जरूर है कि आपने थॉरली स्टडी किया है। तो जब भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड उस सब्जेक्ट से जब पूछेगा तो क्वेश्चन पूछेगा तो आप इजिली उस क्वेश्चन को रिप्लाई कर पाओगे। तो अब जो है सपोज करो आपने दूसरी बुक उठाई, सेम प्रोसीजर जैसे आपने फर्स्ट बुक के साथ किया कि आप अंडरलाइन करो वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, ऐसे करते पूरे बुक को आप कर डालो और सारे ही यूनिट की तैयारी ऐसे आप करो। तो ये तो हो गया कि आप अंडरलाइन सारे बुक का कर लिए। अब जब आप देखोगे एक एक बुक आप फिनिश करते जाओगे उसको जो है, और नेक्स्ट बुक आप उठाओगे, नेक्स्ट बुक आपने फिनिश कर दिया आप, लेकिन हाँ ये है कि आप यदि टारगेट बनाए हो कि 6 महीने में हमको नेट क्वालिफाई करना है, तो हो सकता है कि उसके लिए आपको जो है 12 से 15 घंटे पढ़ाई भी करनी पड़ सकती है। तो उतना आप मेहनत करो, अच्छे ढंग से जब आप लगोगे तो JRF निश्चित तौर पर आप JRF क्वालिफाई कर जाओगे। और दोस्तों हमेशा आपके माइंड में चलते रहना चाहिए, जिसे जब कोई भी एग्जाम की तैयारी आप करते हो, जब आपके माइंड में हमेशा चलता रहता है कि उससे रिलेटेड हमारे पास क्या मैटर है या क्या मैटर नहीं है, या क्या क्या पढ़ चुका हूँ, ये पढ़ा हूँ तो इसमें क्या क्या पढ़ा था, हमेशा जब आपके माइंड में ये चीज़ें चलने लगेंगी आप देखोगे कि निश्चित तौर पर आप कामयाबी, या फिर बोल सकते हो कि आप मंजिल के करीब धीरे धीरे आप पहुँचते जाओगे। तो अब नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है कि ये तो आपने अभी तक क्या किया कि अब सारे बुक को आप पढ़ डाले। अब प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं, सपोज करो 15 ईयर या 20 ईयर्स के आपको यदि पेपर्स मिल जाते हैं तो पेपर आप देखो, जिससे कि पेपर से आपको क्या होगा कि काफ़ी आइडिया लग जाएगा कि किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं या हर साल किस पोर्शन से क्वेश्चन आता ही आता है। उन पोर्शंस को आप जरूर से कवर करो, उनको आप अच्छे ढंग से तैयार करो। और दोस्तों सपोज करो कोई सा भी क्वेश्चन आप हल कर रहे हो, जब सॉल्व करते हो, सपोज करो मान लो कोई क्वेश्चन है, यदि पूछा हुआ है कि मरकरी के कारण जो है कौन सा डिजीज कॉज होता है, तो दोस्तों आपको पता है कि मरकरी के कारण जो है मीना मटर डिजीज कॉज होता है। बट आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते हो तो उससे आपको ये आइडिया लगता है कि ये मीना माटा या मरकरी से रिलेटेड ही क्वेश्चंस इसके पहले भी पूछा हुआ है, 4 से 5 बार या 10 बार पूछा हुआ है, लेकिन सेम क्वेश्चन हो सकता है कि ना हो लेकिन उससे रिलेटेड ही होगा और उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछ देगा। जैसे आपको मैंने बताया कि पिछले जैसे सपोज करो कि इस बार पूछा हुआ है कि मरकरी के कारण कौन सा डिजीज कॉज होता है, तो मीना माटा आपको पता है। अब आप देखो कि मीना माटा डिजीज जो है आखिर है क्या, या फिर मीना माटा, अब उसको आपको डिटेल में थॉरली स्टडी करना चाहिए कि मीना माटा डिजीज जो है वो आखिर है क्या, उसके सिम्टम्स क्या हैं, उससे कौन से ऑर्गन प्रभावित होते हैं, कौन से केमिकल के फॉर्म से जो है मीना माटा डिजीज होता है। तो दोस्तों जब इस तरह से आपका माइंड चलना शुरू हो गया होगा और इस तरह से आप जब पढ़ना स्टार्ट करोगे, तब आप देखोगे कि किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे, सपोज करो नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछा कि मरकरी के किस फॉर्म से जो है मीना मटा डिजीज होता है, तो आप इजीली बता सकते हो कि जैसे ऑर्गेनिक मर्क्यूरियल है, ठीक है,
या फिर मरकरी के ऑर्गेनिक फॉर्म से जो है मीना मटर यूज होता है। अब तीसरे तरह से मान लो, यदि क्वेश्चन को पूछ दिया कि मरकरी के कारण जो है मीना माटा डिजीज तो होता है, बट मीना माटा डिजीज में कौन सा ऑर्गन प्रभावित होता है, तो वो जैसे मान लो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, तो आपको ये पता रहेगा। तो आप किसी भी टाइम कभी भी किसी तरह से क्वेश्चन इससे रिलेटेड यदि पूछ रहा है, मरकरी या मीना माटा डिजीज से रिलेटेड, देन आप इजीली उसको कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी क्वेश्चन आप उठाओ, उसके जो चार ऑप्शन होते हैं, चारों ऑप्शन को आप बहुत अच्छे ढंग से पढ़ डालो। जैसे मान लो उसी क्वेश्चन को मैं, चूंकि उसी क्वेश्चन को मैं एग्जाम्पल बना के चल रहा हूँ जिससे कि आपको इजीली मैं समझा सकूँ। तो अब जैसे मान लो कभी आप वही क्वेश्चन जिसे पूछा है कि मरकरी के कारण कौन सा डिजीज हुआ, तो आप ये तो जान गए कि मीना माटा डिजीज होता है। अब मान लो दूसरे ऑप्शन में दिया है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि किस केमिकल से होता है, या फिर कौन सा ऑर्गन प्रभावित होता है, या फिर इसमें इसके सिम्टम्स इस डिजीज के कौन कौन से होते हैं। वैसे नेक्स्ट में सपोज करो आउच आउच या फिर इटाई इटाई डिजीज पूछ दिया, मतलब इटाई इटाई डिजीज नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इटाई इटाई डिजीज क्या होता है या किसके कारण होता है या इसमें कौन सा ऑर्गन प्रभावित होता है। तो इस तरह से जब आप हर ऑप्शन को अच्छे ढंग से पढ़ोगे, थॉरली स्टडी करोगे, तो आप देखोगे कि आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स की, इन पॉइंट्स पर ध्यान दें। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो अब एक पेपर कोई सा भी एक ईयर का आप उठाओ, प्रीवियस ईयर का पेपर जो है, अब सपोज करो जैसे यदि हम एनटीए नेट की बात करें, तो एनटीए नेट में क्या है कि दो पेपर होने हैं। जब सपोज करो फर्स्ट पेपर एक घंटे का है, तो आप उस पेपर को, फर्स्ट पेपर को आप उठाओ, फर्स्ट पेपर को पूरा सॉल्व करने की कोशिश करो, और आपके पास जो है 1 आवर है, मतलब 60 मिनट्स हैं, और आपको 50 क्वेश्चन करने हैं। तो आप देखो कि 60 मिनट्स में क्या 50 क्वेश्चन आप कर पाते हो। यदि नहीं हो पाता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन पेपर्स के, जिससे कि आप टाइम लिमिट में आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सको। ऐसे जब आप करते जाओगे तो आप देखोगे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा और आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो इस तरह से आप टेस्ट पेपर्स जो हैं उनकी भी प्रैक्टिस करो। तो दोस्तों, इस तरह से यदि प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के आप यदि प्रिपरेशन करते हो जेआरएफ की, तो निश्चित तौर पे बता रहा हूँ 100% आप जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं पूरा उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा, काफ़ी अच्छा लगा होगा। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिससे कि आने वाले टाइम में और भी नेट से रिलेटेड, जेआरएफ से रिलेटेड, या फिर हायर एजुकेशन या रिसर्च से रिलेटेड, या फिर और भी जो एजुकेशन से रिलेटेड लेक्चर्स हैं, मैं डिलीवर कर सकूं और आप इजीली उनको सुन सकूं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आई एम अगेन रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपने मेरे लेक्चर को इतने ध्यान से सुना, उसके लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।